शंकराचार्य जी के गौ यात्रा की, और शंकराचार्य जी ने, मैं कहूंगा कि ये आज उन्होंने ट्वीट भी किया था शंकराचार्य जी ने, कि शंकराचार्य जी की जो गौ यात्रा है वो दिल्ली पहुंची और ये आपको दिल्ली पुलिस का फरमान आ गया कि नो 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 नो, भारत में आप गौ यात्रा कैसे निकालेंगे, ये तो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर टू देश है, आप यहाँ ये कैसे करेंगे। तो इसलिए शंकराचार्य जी को ये नोटिस दे दिया गया है पुलिस की ओर से कि आपको नहीं निकालना है गौ यात्रा दिल्ली में। और वो जो गौ यात्रा निकाल रहे हैं वो वृंदावन से लेके, और वो उस स्थल तक जाना चाहते थे जिस स्थल पे इंदिरा गांधी ने हिंदुओं को गोली मरवाया 1966 में, साधु संतों को गोली मरवाया। ये भाजपा के हित में ही होता, इंदिरा गांधी की वो बर्बरता सामने आ जाती, लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी गौ के लिए आप कैसे आंदोलन कर सकते हो, जब ये विपक्ष में रहेंगे तो आप ये आंदोलन करेंगे। तो ये पुलिस का नोटिस है दिल्ली में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो ज्योतिष पीठ के अधिकृत शंकराचार्य हैं कोर्ट द्वारा, और अपने गुरु परंपरा से उन्होंने संसद तक मार्च निकाला उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने। और वो जो है वो कह रहे हैं कि यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयागराज में संतों की मांग मान लेते तो कुंभ 2025 से पहले गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जा सकता है। वो 25 की बात कर रहे हैं, तो कोई इसको ये ना सोचे कि चुनाव में प्रभावित करना चाहते हैं, 25 की बात कर रहे हैं। और चुनाव में वो प्रभावित करना चाहते हैं, उन्होंने कहा हर वो पार्टी जो लिखित में शपथ पत्र देगा कि वो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देगा उसे ही हिंदू वोट करे, अन्यथा हिंदू को जो भी पार्टी गाय हत्या पे मौन है या समर्थन करती है उसको वोट देना, यानी हिंदू भी गौ हत्या में सहभागी है। हमने एकम की तरफ से वो पत्र शपथ पत्र उनको दे दिए। तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत दलों को पत्र लिखा, उन्होंने सबको लिखा, कांग्रेस भाजपा सबको, कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए जाने और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए हम पत्र लिख चुके हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि इसको मानने वाले को जो भी, शंकराचार्य जी ने कहा कि जो इसको मानेगा वो भाई दल है, जो नहीं मानेगा वो कसाई दल है, और हम भाई दल के साथ जाएंगे, यानी जो गौ माता को बचाने का संकल्प लेंगे। शंकराचार्य जी ने कहा कि जनता के वोटों से सरकार को चुना जाता है, और उस सरकार में अगर गौ हत्या होती है तो गौ हत्या का दोषी मतदाता भी है, ये शास्त्र भी कहते हैं, गौ ही पृथ्वी को धारण करती है, तो मतदाता को भी, यानी अब गौ माता के रक्त से सनी हुई रोटी आप खा रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ अन्न और मन की बात कही गई कि यदि आप एक अपराधी, और क्राइम के हिसाब से भी देखिए कि कोई अपराधी आपके घर में छिप जाता है तो अपराधी को संरक्षण देने के लिए आप भी जेल जाएंगे। किसी ने हत्या किया और उसको बचाने के लिए आप उसका चाकू छुपा देते हैं तो आप सबूत छिपाने के आरोप में जेल जाएंगे। तो भौतिक धरातल पे भी कानून में अपराधी के साथ खड़ा होने वाला अपराधी कहलाता है कोर्ट में। तो गौ हत्यारे के पार्टी के साथ खड़ा होने वाला गौ हत्यारा नहीं कहलाएगा क्या भाई? आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये, और कानूनी दृष्टि से आपको बताया ही मैंने। तो उन्होंने कहा कि, और वो नंगे पांव यात्रा कर रहे हैं, बड़े बड़े छाले भी हो गए हैं, तो जो भी गौ हत्या के विरोध में है उनका वो स्वागत करते हैं, और उनको रोक दिया गया है, लेकिन वो अभी पदयात्रा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो संसद के आसपास जब पहुंचेंगे तब उनको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, दिल्ली पुलिस ने चिट्ठी जारी कर दिया है।